सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस घंटे को दबा दें कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पतंजलि का दिव्य अर्श कल्प वाटी। जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपका पतंजलि का दिव्य अर्श कल्प वाटी है। तो इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा मिलाकर इस टैबलेट को तैयार किया जाता है। जो विशेषकर ये वाटी है बवासीर में उपयोग करवाई जाती है, दोनों प्रकार के बवासीर में, खूनी वादी में। तो इस वीडियो में जानेंगे कि बवासीर में इस दवा का किस प्रकार इस्तेमाल करवानी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो हमारा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए हम पहले जान लेते हैं कि पतंजलि का ये दिव्य अर्शकल्प वाटी में कौन कौन सा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को डाली गई है। तो हम विस्तार से जान लेते हैं। इसका मुख्य घटक है, इसमें जो मिलाया गया आपका पहला शुद्ध सरोत मिलाया गया है, हरद छोटी मिलाया गया, आपका बकाइन के बीज मिलाया गया है, नीम के बीज मिलाया गया है, रिट्ठा का छाल मिलाया गया है, देसी कपूर डाला गया है इसमें, आपका खून खराबा चूने डाला गया है, मकोई डाला गया है, एलुआ डाला गया है, नागदौन डाला गया है आदि बहुत से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को द्वारा मिलाकर दिव्य अर्शकल्प वाटी को तैयार किया जाता है। जो बना बनाया भी पतंजलि का स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाता है, वहाँ से लेके भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं हम इसका फ़ायदे के बारे में विस्तार से। तो आइए हम जान लेते हैं अर्शकल्प वाटी का फ़ायदे के बारे में विस्तार से। अर्शकल्प वाटी एक आयुर्वेदिक दवा है जो टैबलेट फॉर्म में आता है। इस दवा को इस्तेमाल करने से बवासीर, पुराने कब्ज और गैस से संबंधित विकारों के लिए उपयोग में लिया जाता है। बवासीर दो तरह की होती है, खूनी बवासीर और वादी बवासीर, दोनों ही बहुत पीड़ादायक होती है। इसका कई कारण हो सकता है, भारी वजन उठाना, घंटों तक खड़ा रहना या लगातार बैठे रहना आदि। पुरानी कब्ज की शिकायत को भी ठीक करती है। अगर दिव्य अर्शकल्प वाटी का आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल करने से विशेषकर खूनी वादी दोनों तरह की बवासीर को दूर करता है, उससे उत्पन्न होने वाली असुविधाएँ से बचाती है। अगर कुछ दिन लगातार प्रयोग करने से बवासीर, भकंदर आदि से भी बचा जा सकता है, जैसे दर्द पीड़ा जो होता है। इस वाटी का इस्तेमाल करने से ब्लड जो आता है उसको बंद करता है, दर्द पीड़ा को भी दूर करती है। तो आइए जानते हैं इस वाटी का सेवन विधि के बारे में। इसको दिव्य अर्शकल्प वाटी का सेवन विधि और मात्रा, इसका इस प्रकार मात्रा है। ताज़ा पानी के साथ रोगी की आवश्यकता के अनुसार एक गोली या दो दो गोली सुबह खाली पेट या खाने से पहले इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये अपने वैद्य या डॉक्टर के सलाह से इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं दिव्य अर्शकल्प वाटी। तो इसका MRP की बात करें तो इसका MRP आपका बहुत कम है। इसका MRP आपका 35 रुपये है, जो पतंजलि का स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसमें आपका 40 टैबलेट आता है, इस प्रकार इसका टैबलेट आता है। देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार इसका टैबलेट आती है जो 35 रुपये में आपका पतंजलि का स्टोर में मिल जाता है। तो इसके साथ अन्य आयुर्वेदिक दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वैद्य के सलाह से और डॉक्टर के सलाह से। तो अब हमारा वीडियो लास्ट होता है। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।